चित्तौड़गढ़ में विगत 12 वर्षों से अनंत चतुर्दशी के अवसर पर चित्तौड़ महोत्सव समिति की ओर से लगातार भक्तजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। 2012 से प्रारंभ हुई यह व्यवस्था आज भी जारी रहेगी, जिसमें समिति की ओर से गणपति विसर्जन में भाग लेने आने वाले भक्तजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें समिति की ओर से 60,000 भक्तजनों के भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके बारे में जानकारी देते हुए चित्तौड़ महोत्सव समिति के सुनील झीलीवाल ने बताया कि 2012 से अनंत चतुर्दशी के अवसर पर खाने के पैकेट के माध्यम से इस व्यवस्था को शुरू किया गया था और गत वर्ष करीब 50,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई थी, जो इस वर्ष बढ़कर 60,000 कर दी गई है। नेहरू बाजार में सूचना केंद्र के बाहर होने वाले आयोजन में 200 हलवाई, 300 समितियां और सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रसाद के कार्यक्रम में 45 क्विंटल आटा, 70 टिन तेल, 3 क्विंटल दाना मेथी, 100 किलो अचार सहित अन्य सब्जियां भी काम में ली जा रही हैं। उन्होंने बताया कि दोपहर 1 बजे से रात 3 बजे तक आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन करवाया जाएगा। सुनील ढिलीवाल, संस्थापक चित्तौड़ महोत्सव समिति। किस तरह का आयोजन किया जा रहा है प्रतिवर्ष की भांति और क्या लक्ष्य रखा गया इस बार? 12 वर्ष से ये कार्यक्रम लगातार जारी है। 50,000 का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं और 60,000 लोगों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी 50,000 का लक्ष्य लिया था और 55,000 लोगों ने भोजन प्रसाद लिया था। कार्यक्रम की जहाँ तक बात करूँ तो एक जैसा कार्यक्रम चलता है, 4 तरह की सब्जी, जिसमें सबसे पहले आलू की सब्जी, दाना मेथी की सब्जी, उसके बाद पकौड़ी की सब्जी, उसके बाद नमकीन की सब्जी, साथ ही अचार, मिर्ची टमाटर वगैरह जो भी है अलग अलग आइटम परोसे जाते हैं। कब से शुरू होकर कब तक चलता है ये? दोपहर 1 बजे से चालू होगा और रात्रि को अंतिम जागी तक चलेगा। इस पुनीत कार्यक्रम में 200 हलवाई की टीम है, 50 लेबर काम करती है और लगभग 300 से 350 कार्यकर्ता अपनी सेवाएं फील्ड में देते हैं।